जो जो ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी, त्यों त्यों बस यही सोच रहा था कि अब माँ कैसे रहेगी मेरे बिन। व्याकुल मन बहुत ही कल्पनाएं गढ़ रहा था एक कल्पना कि न जाने अब बीचू कैसा होगा, कैसे होंगे वहाँ के क्लासरूम, कैसे होंगे वहाँ के शिक्षक, और सबसे बड़ी बात कैसे मिलेंगे दोस्त यार। इसी बीच ट्रेन जा पहुंचती है मुगलसराय जंक्शन, जी हाँ, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, और इसी का अगला पड़ाव था हमारा अपना बनारस जंक्शन। फिर ट्रेन खुली और धीरे धीरे गंगा के ऊपर बने ब्रिज से होकर गुजर रही होती है, तभी ख्याल आता है बाबूजी का। वो कहा करते थे हमसे, घर में रहते हो ना, और माँ के बड़े हाथों का खाना जो मिल रहा है, इसलिए तुझे फिक्र नहीं है किसी बात की। एक बार घर से बाहर तो निकल के देखो, फिर तुझे दुनिया की रीत पता चलेगी, पता चलेगा माँ की रोटी की अहमियत क्या होती है। जब दिन भर कॉलेज करके थक हार के हॉस्टल आओगे ना, तो खाना तो दूर है, एक गिलास पानी तक कोई नहीं पूछेगा। आज मैं डांट देता हूं तो तुम मुंह फुलाकर बैठ जाते हो, और ये सोचते होगे कि कैसा खड़ूस बाप है जो बात बात पर मुझे डांटता है। मगर याद रखना बेटा, जब तुम कल बाहर जाओगे तो खुद का बाप और खुद में बेटा बन जाओगे, और जब तुम कोई गलती करोगे ना, तुझे मेरी याद जरूर आएगी, लेकिन उस वक्त अफसोस मैं तुझे डांट नहीं सकूंगा। और ये सब सोचते सोचते जा पहुंचते हैं बनारस जंक्शन। उतरते ही महादेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि बाबा अब हमारी नैया तू ही पार लगाना। फिर गले के गमछे को उतार के माथे में बांध लेते हैं, और कांधे में एक भरा किताब और थैला उठाकर चल देते हैं। स्टूडेंट आदमी है ना भाई, आई हो दादा ई का बनारस उतरते ही सतरंगी चांद के दर्शन, कौनो सपना तो नहीं ना देख रहे भाई जी, छुट्टी काट ले का, सचो कह रहे हैं। एकदम में नू जन्नत के परी जैसी लग रही थी, हमको तो लग रहा है बनारस पसंद आ गया है इनको। काहे कि बनारस में ऐसा परी कहा है जी, किसी को कहिएगा नहीं, हमको तो लग रहा है बनारस घूमने आई हो। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आया, अरे हम काहे सोच रहे हैं इनके बारे में, हम ऐसा क्या करना है, पढ़ाई करने आए थे तो फिर काहे हम इतना सोच रहे थे, काहे इनको देखते देखते कहीं कुछ हो गया तब ना। एकदम नहीं, आपको बताएं हमारे गांव में है नू एक जने एक लड़की से प्यार करता था, और धीरे धीरे ये बात उनके बाबूजी के पता चल गया, लड़का के बाबूजी के, इतना धुरमुसे ना प्यार का भूत, 2 मिनट में रफू चक्कर हुई गवा, जानते हैं। फिर ITI किया और अभी 25,000 छाप रहा है। यह बार दुर्गा पूजा में मिला था, सब दोस्त के संग गए थे मेला घूमने, बातें बातें में ले दे के कह दे रहा था जिसको जो खाना है खाओ पैसा हम देंगे। बिहारी आदमी नु है जी, फ्री का बात सुनते ही 4 पीस गुपचुप आराम ना दाब दिए। मगर क्या कहें, बनारस उतरते ही न जाने हमको क्या हो गया था, बुद्धि विद्या एकदम शून्य, कुछ काम कर ही नहीं रहा था, दिल मानने को तैयार ही नहीं था, यहाँ तक कि आंखें बस देखे जा रही थी सामने खड़े ख्वाब को हकीकत में। तभी वो हवा का झोंका बाहर निकल पड़ी और हम भी उसके पीछे पीछे निकल पड़े। ऐसा लग रहा था मानो हमको खींच रही हो, और हम खींचे चला जा रहे हैं उसके पीछे पीछे। हमको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम जान के भी अनजान बन रहे हैं, खुद से अलग होए जा रहे थे, अपना सुध-बुध खोए जा रहे थे। बहुते सुना था प्यार के बारे में कि प्यार खुदा है, प्यार ईश्वर का रूप है, प्यार ये है, प्यार वो है, मगर मुझे लगता है कि प्यार की सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसको शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता है। मुझे तो लग रहा था कहीं ना कहीं ये एहसास प्यार ही तो नहीं ना है। एक तो सीक्रेट बताएं, हम बंदों की बस एक ही ख्वाहिश होती है, एक झकास टाइप की लड़की हमारी जिंदगी में आए जिसको देख के पूरा उम्र गुजार दे। किस्मत भी कौनो चीज होती है बाबू, संयोग से उस जन्नत के पर ही हमसे पहले चाचा के टेम्पू में विराजमान हो गई थी, और जैसे हम देखे जन्नत के परी को तो चाचा का धुआंधार टेम्पू इंद्र का सिंहासन लगने लगा था, फिर एकदम बगले में जाकर बैठ गए। हमको तो लग रहा था BHU ही जाएगी, हमको लग रहा था, कन्फर्म नहीं बताया गया। वैसे एक बात बताए, हम बिहारी ना बड़े मिलनसार टाइप्स होते हैं,
किसी से भी बड़ा जल्दी घुल मिल जाते हैं, किसी पर भी बड़ा जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अरे दिल में ना नौ छो नहीं रहता है, नहीं रखते मन में कोई पाप। का कीजिएगा पाप रख के, हाँ कौन यार 400 वर्ष जीना है आपको। जितना दिन जिंदगी बचा है, अरे प्रेम और बिंदास से जी लीजिए महाराज। काहे कि कौन दिन द एंड हो जाए किसी को पता नहीं है, शायद इसलिए हम लोग थोड़े भोले भाले भी होते हैं और हमारे भोलेपन का फायदा गजब का उठाया जाता है, मत पूछिए। और जैसे ही जन्नत के परी हमको एक टक देखी ना, देह एकदम सिहर गया, अब पैर और हाथ एकदम सकसकाने लगा। दो पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कोनो बिजली आ गिरी हो, मगर बड़ी नशीली आंखें थी उसकी, एकदम से मदहोश कर दे रही थी। मन तो कर रहा था ये जो सामने वाला चचा है नू, टेम्पू वाले चचा, इनको 100 रुपया पॉकेट में भर दें, फुसू के कहें ए चचा अब बीएचयू तनी लेट से पहुंचाइएगा तो कोनो फ्लाइट छूट जाएगा काजी आए। काहे कि तनी इत्मीनान से ताड़ लेते, का पता ऐसा जन्नत के परी कब दिखेगी भाई। तभी लगी हमको कहने, एक्सक्यूज मी आपका पैर सट रहा है, हम वो बिहारी आदमी अंग्रेजी में बक दिए व्हाट इज हैपन। जैसे हमारा अंग्रेजी सुनी कहती है पहली बात व्हाट इज हैपन नहीं होता है, व्हाट्स हैपन। लगता है आपका अंग्रेजी थोड़ा विकलांग है, का कहते दिल की बात है थोड़ा बहुत है। बाय द वे मैं कह रही थी आपका पैर सट रहा है। ओहो हो सॉरी ध्याने में नहीं रहा। वैसे एक बात कहें मैम, हम बिहारी का इंग्लिश स्पोकन भले गड़बड़ हो लेकिन अंग्रेजी ग्रामर एकदम टंच होता है। इंग्लिश स्पोकन में का है नू ये जो जी है ना तनी ले दे के सरक जाता है, तब बोलने में तनी उलट पलट हो जाता है। इतना सुनते ही मैडम मुस्कुरा देती, हाय तेरी उस मुस्कान पे 100 जन्म कुर्बान। ऐसा हम नहीं, हमारा दिल कह रहा था। इसके बाद से थोड़ा वो कंफर्टेबल फील करने लगी और मुझसे पूछ पड़ी, आप बीचू जा रहे हैं क्या। दिल हाजिर था जवाब देने को, जी हाँ। और आप, वो भी कहती है सेम है। फिर थोड़ी बहुत बातें होने लगी टेम्पू पे, तभी हम पूछ पड़े आपका शुभ नाम क्या है। मधुर आवाज में कहती है, तान्या सिंह फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। बिना पूछे हम कह दिए हमार नाम पार्थ कश्यप, बिलोंग्स फ्रॉम भभुआ बिहार। फिर जा पहुंचे लंका बीएचयू, चचा को पैसा दिए और महामना की बगिया में प्रवेश कर गए। एमए करने आई है वो भी यहाँ। आश्चर्य तब हुआ जब हॉस्टल जाते वक्त उसने अपना विषय हिस्ट्री बताया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा भी तो हिस्ट्री ही है, तो फिर खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2 मिनट रुकने का अनुरोध किया और फिर बैग निकाला और जरा देखा, रिजल्ट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ था रैंक 3rd एमए हिस्ट्री। पहले ही बार में इतना असर, आज खुद पे यकीन नहीं था कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। रिजल्ट कार्ड देखकर ये पता चल रहा है कि हमारा एमए हिस्ट्री था। फिर वो मुझसे मेरा रिजल्ट कार्ड मांगती है और ज्यों ही रिजल्ट कार्ड देखती है त्यों ही उछल पड़ती है और जोर से कहती है, यार कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे बाप रे बाप, तुम तो टॉपर निकले, सेम डिपार्टमेंट। अरे वाह, छुपा रुस्तम निकले जी। एक बात कहें, तुम देखने से तो नहीं लगते इतना तेज, मगर आज तुमने मेरी सोच बदल डाली। किसी को देख कर किसी को आकरना असंभव है। बहुत ही पढ़ाकू लगते हो बिहारी बाबू। अरे ऐसा नहीं है महाराज, हम बिहारी को लोग समझते ही गलत हैं। ये जो गमछा आप देख रही हैं ना, ये हमारे पुरखों की निशानी है और तेज दरार तो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। हाँ कह सकते हैं कि बिहारी हर काम दिल से करता है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो यारी हो। अगर निभाता है तो दिल से और बसाता है तो दिल में। फिर वो कहती है कि यार प्लीज़ अपना नंबर दे दो, अब तो डायरेक्ट टॉपर महोदय से बात होगी। फिर तो धड़ल्ले से अपना नंबर छेप दिए और फिर चल पड़े अपने हॉस्टल की ओर। आराम से फर्स्ट क्लास राजू भैया के मेस में पहले दबा के खाए
और फिर छाप कर VHU वाईफाई में 4 वेब सीरीज देख दी एक के दिन में, पता ही नहीं चला दिन का। जब शाम हुई तो उसका मैसेज आया, हाय यार रूम में अकेली बोर हो रही हूँ, प्लीज चलो ना कहीं घूमने के लिए। और फिर क्या था, बिहारी बाबू तैयार होगा पैदल रिसीव करने पहुंच गया हॉस्टल उसके। और फिर वो राजा हिंदुस्तानी की करिश्मा कपूर की तरह कह पड़ती है, ऐसा क्या देख रहे हो राजा, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या मैं? ऐसा ना बोल पगली, ये दिल कचोट जाता है, अरे तुम जो हो सो हो, ऐसा शब्द है ही नहीं तुम्हें कहने को, इसलिए तो नहीं कहना चाहता कि तुम क्या हो। उसके बाद पहुंच जाते हैं अस्थि, ये वही अस्थि है जहां कुंदन ने जोया की खातिर हंसते हुए जान दे दी थी। यहाँ बह रही है गंगा इस बात का प्रमाण है कि कोई भी खुशी अस्थाई नहीं होती है, लेकिन प्रेम में पड़ा पार्थ बाबू ये सब चीज सूझ ही नहीं रहा था इनको, सिवाय तान्या के। फिर घंटों बातें करते एक दूसरे से। हाँ लेकिन एक सवाल था जो हमें कचोट रही थी, व्याकुल कर रहे थे हमारे मन को, और वो सवाल ये था कि मैं चाह रहा था कि तान्या से ये पूछ लूं कि आप प्यार पे भरोसा करती हैं। मैंने पूछ ही लिया तान्या से, तान्या आप प्यार पे भरोसा करती हैं? वो मुस्कुराते हुए कह पड़ी कि बिल्कुल भरोसा करती हूँ प्यार पे, पर हमारा तो मानना है कि प्यार बिना ये जग सुना सुना इंसान है, प्यार बिना ये जग सुना सुना इंसान है, लाख बनाओ ऊंचे ऊंचे महल वो बस खाली मकान है, प्यार के बिना ये हवाएं ये फिजाएं ये घनघोर घटाएं सब बेरुखी हो जाएंगी पार्थ। इतना सुनते ही मैंने पुनः पूछ लिया, आप किसी से प्यार करती हैं? अभी तक कोई मिला ही नहीं। तो अभी मेरा दिल को पड़ा, अरे चश्मा लगा के सामने देखो पगले, आपका तो गहरा मोती चाहिए। पुनः दिल के भीतर से आवाज आती है, अबे ससुर के नाती कहा वो कटरीना कैफ और कहा तुम राजपाल यादव, थर्ड अटेम्प्ट था दिल का। एक बार दिल कहता है हमसे कि प्यार जात पात ऊंच नीच गरीबी अमीरी नहीं देखती पगले, प्यार को निभाने वाले होने चाहिए। फिर क्या था, दिल तय कर चुका था कि यही मेरी पहली और यही मेरी आखिरी नजर होगी। उसके बाद समय बीतता गया, मेरा प्यार दिनों दिन उसके प्रति बढ़ता गया, हर रोज नया ख्याल नई बातें, हर रोज कहीं ना कहीं मुलाकातें, भाई लाल की दुकान के पास एक कुल्हड़ चाय पे घंटों बिता दिया करते थे और पता भी नहीं चलता था समय का। अब तो साथ क्लास में भी बैठने लगे थे। हाँ आपको बताना भूल गए कि हॉस्टल में हमारे 2 परम मित्र बने थे, एक लकीसराय से थे और दूसरा गोरखपुर से थे, दोनों हमारे जिगरी यार बन गए, 24 घंटा कहीं भी कभी भी तैयार थे हमारे लिए, लेकिन थे थोड़े कमीने टाइप्स। एक सीक्रेट बताए इन दोनों का, दोनों के दोनों अखंड कुमारे थे, एकदम 24 कैरेट शुद्ध सोना। दोनों के पास गर्लफ्रेंड का पूर्ण रूपेण अभाव था, वैसे अभाव तो हमारे पास भी था, किंतु हम प्यार करते थे तान्या से। हाँ लेकिन वो प्यार करती थी कि नहीं इस बात में हम श्योर नहीं थे। और हमारी जो कमीने दोस्त थे ना, बाज नहीं आते थे अपनी हरकतों से, एक तो हमारे पीछे बैठते जस्ट और ले दे के टोन मारते थे, क्लास चल रही होती थी पीछे से भाव जी, बहुत चिढ़ बढ़ती थी तान्या को। अब वो कहे तो कहे क्या, वो जानती थी कि ये पार्थ का दोस्त है, कुछ कह भी नहीं सकती थी बेचारी, चुपचाप झेल लेती थी। BHU MA का एग्जाम सेमेस्टर वाइज लेती है और सेमेस्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट बाबा का, और हमारे जो गुरु जी है ना एकदम टाइट है, 2 लाइन को 4 बार पढ़ते हैं, 2 बार चश्मा खोल के 2 बार चश्मा पहन के। इसलिए तान्या ने सारे असाइनमेंट की जिम्मेवारी मुझे दे रखी थी, लगातार 3 सेमेस्टर तक मैंने उसके असाइनमेंट को लिखा था, खुद के भी लिखा था और उसके भी असाइनमेंट को लिखा था। एक बार तो मैं अपने एक 3rd सेमेस्टर के एक पेपर में बैक आ गया हमारा, कहे कि पूरी रात फोन पे
उसको पढ़ाने थे और समझाने थे, और पढ़ाने और समझाने के चक्कर में खुद ही नहीं पढ़ पाए बिहारी बाबू और फेल कर गए। 45 से भी कम मार्क्स आए थे, मगर तान्या को 86 आए थे। बहुत ही अधिक होता है हिस्ट्री में 86 लाना। सच कहे दोस्त, उस दिन मैं बहुत खुश था जिस दिन मेरा रिजल्ट बैक रहा और वो टॉप रही। लगभग एक हफ्ते के बाद दिसंबर में नेट का भी एग्जाम था। तान्या मुझसे कहती है कि पार्थ, इस बार अच्छे से तैयारी करना और फोर्थ सेमेस्टर में अच्छा करना, और हाँ नेट का पेपर वन मुझे पढ़ा दो क्योंकि समझ ही नहीं आती है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम टेंशन काहे ले रही हो, चलो बेटी और पियो कोल्ड कॉफी, दिमाग पहले ठंडा करो। देख रहे हो लौंडे की पार्टी दे रहा है फेल होके, वाह रे प्यार। बीटी के सामने कोल्ड कॉफी पीते हुए मैंने तान्या से कहा, महादेव की कसम इस बार तुम्हारा जारा पक्का है। तान्या कहती है, पक्का पार्थ? तो हम कहते हैं, माई कसम। तभी अचानक से माँ की याद आती है, 1.5 साल हो गया है अब तक नहीं गए घर, जू न कराई प्यार। तभी तान्या पूछती, आर यू ओके? और ये दिल फिर वापस आ जाता है और कहता है, हाँ ठीक है। कॉफी पीते हुए फिर मैंने तान्या से कहा कि कल से आओ साइबर लाइब्रेरी, काय की किताब और नोट्स अंदर ले जाने अलाउ थे साइबर लाइब्रेरी में। उन दिनों काफी भीड़ लगी रहती थी। मैं सुबह 7 बजे अपने हॉस्टल से नहा धोवा के फ्रेश होकर पहुंच जाता था बिना कुछ खाए, और 8 बजे एंट्री होती थी। एंट्री के बाद मैं 2 घंटा वेट करता था, वो 10 बजे आती थी। मैं अपने सीट के बजाय उसकी सीट की ज्यादा निगरानी करता था। 2 घंटा तक बीत जाते थे हमें पढ़ने में नहीं, फेसबुक वॉल पे देखने को, उसके पेज को, उसके फोटो को, और पता ही नहीं चलता कब 2 घंटा बीत गया। और फिर वो 10 बजे आती थी। मैं अपने लिए कुछ पढ़ू ना पढ़ू पर उसके लिए जरूर पढ़ता था। मैं अपने लिए कुछ समझू ना समझू मगर उसे समझाने के लिए जरूर समझता था। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यूं पढ़ाते पढ़ाते समय गुजर जाती थी कि पता भी नहीं चलता था क्या भूख और क्या प्यास। इस ऐसा भी होता है। 5:30 बजे निकलते थे हम लोग VT और 1 कप चाय पीते थे। हाँ वही था हमारा नाश्ता, वही थी हमारी लंच। और मेरी दिली ख्वाहिश थी क्या तान्या के सिवाय? सब कुछ भूल गया था, बस यही चाहता था कि उसके होठों पे सदैव मेरा ही नाम रहे। और जिस तरह मैं टूट कर उसे चाहता हूँ, काश महादेव वो भी मुझे चाहिए। एक रोज मेरा दोस्त मुझसे यूं ही पूछता है, और भाई भाभी कैसी है? पता नहीं पहली बार मुझे उस पर गुस्सा आ गया और खरी खोटी सुना गया उसे। का बे, का समझते हो अपने आप को? हाँ का समझते हो अपने आप को? अबे तुम हमारे दोस्त हो, इसका ये मतलब थोड़ू ना है कि कुछ भी कह दोगे। हाँ अबे मजाक की भी हद होती है, तुमको पता है जब तुम क्लास में भौजी वौजी करके उसको टोन मारते हो तो उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। मैं उसके चेहरे को पढ़ता हूँ, उसकी मुस्कान में बाधा बन जाती है तुम्हारी वो टोन, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टोन बाधा बने। इतना सुनते ही रो पड़ता है मेरा दोस्त और कहता है, साला पागलों की तरह प्यार करते हो बे तुम उससे। एक बात बोलूं, साला खुद को जल के आबाद कर रहे हो या खुद को बर्बाद कर रहे हो? पता है हर सोमवार जब महादेव को पूजा करता हूँ तो एक चीज जरूर मांगता हूँ, तुम्हारा और तान्या का प्यार। भाई कम से कम तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल जाए, साला बिखर कर समेट रहे हो। मगर पार्थ एक बात बोलूं यार, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भला ही चाहूंगा, अब तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। काहे कि कहीं वो किसी और से प्यार कर बैठी तो फिर खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। और वैसे भी आजकल वो बड़ी खोई खोई सी लग रही है। एक रोज मैं जब जा रहा था तो देखा उसको रास्ते में किसी से बतिया रही थी फोन पे, बड़ा परेशान लग रही थी वो। सोचा मैं तुम्हें बताऊं मगर भूल गया। अच्छा सॉरी यार पार्थ, माफ कर दो ना प्लीज। माफ भी कैसे नहीं करते भैया, हमारा जो लंगोटिया यार ठहरा था एकदम जिगरे कर्जा से सटा के हक कर लिए, माफी माफी थी।
और फिर नेट का रिजल्ट आ गया। तान्या का जेआरएफ होता है और हमारे दोनों दोस्त नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। हमारे बारे में नहीं पूछेगा, फंस गया थोड़ा, नंबर कट ऑफ से थोड़ा कम आया। बड़ा खुश था आज फिर, क्योंकि एक तरफ हमारा प्यार और दूसरा तरफ हमारा यार सफल जो हुआ था, अरे क्या हुआ, जिंदगी में खुशी ना चाहिए तो दोस्त और यार से बढ़ के कौन खुशी है जी। और इसी बीच देव दीपावली आ पड़ती है। सोचा था इस बार तान्या के साथ जाऊंगा देव दीपावली देखने के लिए, सुना है बड़ा फेमस है बनारस का। लेकिन इसी बीच धमक पड़ते हैं हमारे रूम में दो चपड़ गंजू और कहने लगते हैं, भाई तुझे मेरे साथ ही जाना पड़ेगा क्योंकि तान्या अपने सखियों के साथ जा रही है। मैं पूछता हूँ, अच्छा तुम्हें कैसे पता? तो कहता है, अभी बात हुई थी उससे, वो अपने सखियों के साथ जा रही है, चल अब तैयार हो जा। और फिर क्या था, मारे गमछा लपेट के तुरंत 2 मिनट में तैयार शक्तिमान की तरह। और फिर चल पड़ते हैं बनारस के देव दीपावली को देखने के लिए। कहा बताएं आपको, बनारस सचमुच बनारस है। पहलवान लस्सी का रस है इसमें, इसकी माया ना किसी के बस में। कहा बताएं, कहा नज़ारा था, चोचक लाइट सी सजी थी सड़कें, आजा बाजा और डीजे के साथ एकदम माहौल गमगीन था। इतना भीड़ था कि पूछिए मत, राम बाबू की बीबी को कहे श्याम बाबू ने धाड़ के ले जा गलती से। चकाचौंध चांदनी को आगोश में लिए आज अस्सी मुस्कुरा रही थी मुझे देखकर, पर मैं मुस्कुरा रहा था तान्या को याद करके। तभी ये सारा मंजर अचानक से तब्दील हो जाता है एक ऐसे घनघोर घटा में जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी मैंने ऐसी कल्पना। सब कुछ शून्य हो जाता है, ये लाखों करोड़ों की भीड़ मुझे अकेला कर देती है मुझे अकेला। टूट जाता हूँ मैं अंदर से, बिखर जाता हूँ मोती की माला की तरह। हाय रे ये क्या हुआ। मेरा दोस्त मुझे कहता है, वो देख तान्या जा रही है, उसके कमर में किसी और लड़की का हाथ है। मैंने तो उसे कहा था ना, किसी को इतना बिखर के मत सवारो, इस सावर आज खुद बिखर जाओ। तेरे ना नसीब मैनू जिंदगी दा साथ दे, तेरे बिना दिल दिया सतराय दस।